दोस्तों जन्नत जुबेर ने बचपन से ही एक्टिंग में काफी दिलचस्पी दिखाई। यही वजह है कि वो सिर्फ 11 साल की ही उम्र में स्टार प्लस के धारावाहिक नाटक फुलवा में नजर आई थी और इसमें उन्होंने अपने किरदार को बखूबी तरीके से निभाया था। फैमिली, फ्रेंड्स और ऑडियंस के द्वारा उनके टैलेंट को बचपन से ही सराहना मिली है, लेकिन कुछ वक्त में ही जन्नत ने छोटे पर्दे पर काम करना छोड़ दिया था। फिर उनकी वापसी सोशल मीडिया पर हुई जब भारत में टिकटॉक ऐप आया। इन्होंने इस पर वीडियो डालना शुरू कर दिया था और इनकी वीडियोस ने हर जगह तहलका मचा दिया था। लोगों को जन्नत जुबेर और उनकी बनाई वीडियोस पसंद आने लगी, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई, जिसके बाद उन्हें म्यूजिक एल्बम के भी ऑफर आने लगे। एक सेलिब्रिटी बन जाने के बाद वो कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हो जाता है। हालांकि जन्नत खुद को इन सबसे दूर रखने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी मीडिया उनके लिए तरह तरह की बातें बनाती रहती है। आशिकी 2 सीरियल में काम करने के दौरान उन्हें किसिंग सीन करना था, जिसके लिए जन्नत ने यह तक कह दिया था कि वो कोई इंटीमेट सीन नहीं करेगी, इसके लिए वो सीरियल को छोड़ भी सकती है। जन्नत और मिस्टर फैजू को लेकर भी फैंस बहुत बात बनाते हैं। इनके फैंस को लगता है कि ये दोनों आपस में डेट कर रहे हैं, मगर एक इंटरव्यू में जन्नत बता चुकी हैं कि वो दोनों सिर्फ दोस्त ही हैं। इसके साथ अब अवनीत कौर जन्नत के बीच की लड़ाई को लेकर भी कई बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जन्नत इन सबको नजरअंदाज करके अपने करियर में आगे बढ़ती रहती है। आज जन्नत जुबेर एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया स्टार है।